स्वागत है 9 PM प्राइम टाइम में खबर छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे। धान खरीद को लेकर बीजेपी लगातार मांग कर रही है। दूसरी तरफ इस सरकार का कहना है कि अगर सही समय पर बारदाने की उपलब्धता होगी तो धान खरीद के लिए विलंब नहीं करना पड़ेगा। इस पर बीजेपी ने डाक के जरिए मुख्यमंत्री को उपहार के रूप में बारदाने भेजे। इसे लेकर PCC चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि अगर भाजपा के लोगों को बारदाने भेंट करने हैं तो मुख्यमंत्री को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट करें। कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, ये सरकार अपने दम पर कुछ भी नहीं कर सकती, इनकी हर बात का ठीकरा केंद्र पर फोड़ने की आदत हो गई है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, केंद्र में बैठी माननीय मोदी जी की सरकार लगभग 2.5 लाख जो बारदाने छत्तीसगढ़ में आने थे वो नहीं भेजे हैं, तो बारदाने भेंट करना है तो मोदी जी को भेंट करें और छत्तीसगढ़ के हित में, छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में बारदाने छत्तीसगढ़ में उपलब्ध कराएं। हम क्या में यहाँ के किसानों का धान खरीदेंगे? छत्तीसगढ़ की सरकार, हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार किसानों के प्रति गंभीर है। जो 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है वो पूरा करेगी और हमारी सरकार किसानों के प्रति जवाबदेह में कुछ भी अपने दम पर करने का मादा नहीं है, और जब अपने दम पर नहीं कर पाती तो केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा देती है। अरे, धान खरीदी के लिए पूरा पैसा आपको केंद्र सरकार देती है, केंद्र सरकार बारदाने का पैसा भी देती है, आप कहीं से भी खरीदो, केंद्र सरकार से खरीदना जरूरी नहीं है। और मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री और मंत्री जैसे पदों पर बैठे हुए लोग बारदाने के लिए केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा देते हैं। अरे, आपको खरीदो, पूरे ओपन मार्केट में आपको खरीदने का अधिकार है, कौन आपको रोका हुआ है?